अम्मा अम्मा से बोल दो, वो दुल्हन घर से नहीं जाने वाली। उसने कह दिया कि वो समंदर में डूबकर जान दे देगी मगर इस घर से नहीं जाएगी। आप भी नाश्ता कर लीजिए। अरे अब्बा क्या चिपक के बैठ गए दुल्हन के साथ, जरा उधर बैठो जाके। परे किसको भाई, परे किसको, जाओ जाओ उधर। ये अफवाह नहीं है। क्या मतलब? अरे मतलब मैं बताती हूँ तुझको, मेरा टल्ली ना ऐसी जानवर की वोटी लेकर आया एक पास। डर गई? अंदर चलो। मैं अल्लाह मेरी मिट्टी उठा ले, मुझसे ये नहीं देखा जाता। छोड़े ना अम्मा जान, नाश्ता कर ले। हाय जीती रहो बेटा, अच्छा किया तुमने बावर्ची खाना संभाल लिया, वरना किसी को नाश्ता ना मिलता, सब लोग भूखे रहते या मुझे इस टूटे हुए घुटनों के साथ जाकर नाश्ता बनाना पड़ता। आप सिर्फ आराम करें अम्मा जान, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। हाय बेटा, मैं तो ये बताना चाह रही थी कौन किस तरह का नाश्ता करता है। मुझे सब पता है अम्मा जान, इतने दिनों से यहाँ पे देख रही हूँ, सब पता है कि किसको क्या पसंद है। आए तुम सलीकामंद नहीं, अक्लमंद ही बहुत हो, जीती रहो। अच्छा रहने दे, आप जल्दी से नाश्ता कर लें। नाश्ते के बाद सरसों के तेल में लौंगे जला के आपके घुटने की मालिश करूंगी। जीती रहो, अल्लाह तुझे खुश रखे। एक बात पूछूं? पूछो। बताओगी? मुझसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, तुम पूछोगी तो बता दूंगी। अम्मा जान आपको इतना बुरा भला बोलती रहती है, और आप सुन के मुस्कुराती क्यों रहती है? कुछ भी नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं। जब मेरी निम्मो के अब्बा से शादी हुई थी ना, तो पहली रात निम्मो के अब्बा ने मुझसे वादा लिया था। वादा? यही कि मैं अम्मा की किसी बात का बुरा ना मानूं और गुस्सा भी ना करूं, बस इसीलिए मुस्कुराती रहती हूँ।
अरे कौन नामुराद ले गया मेरा घड़ा, तू सोती रही हो बस, मेरा दुखना बांटियो। क्या है आपा भाई, सोने मरने देना ना। मैं सोने दूंगी ना मैं मरने दूंगी, जब तक मेरा घड़ा नहीं मिल जाता। किधर गया आपा तेरा ये जन्नती घड़ा? देख जुबैदा मेरे घड़े को बुरा मत कहियो। ओ आपा मेरा बस चले ना आपा, मैं तेरे घड़े को ना। आए आपा तू झाड़ क्यों नहीं दिंदी घड़े दा पानी पीना? बचपन से आदत पड़ी है, कैसे छोड़ दो। बचपन में तो तू अंगूठा भी चूसती थी। देख जुबैदा आजकल तू मेरा जी कलसाने में बहुत आगे आगे है, पीछे रही हो, मैं कह देती हूँ तुम्हें। अपा तुझसे तो बात करना ना, अपनी जूती अपने सिर को मारना है। किधर गया ये फसाद की जड़, इधर ही तो तरा रहता था, वो इधर से किसने ले जाना है अपा? दो दिन से सहन में पड़ा था, मैंने सोचा था रज्जू आएगी तो मैं उससे धुलवा लूंगी, वहां ना घड़ा है ना घड़े की मट्टी है। हाँ ये जरूर चंड शन्नो आई होगी, उसी ने तोड़ दिया होगा, वो तो जाते हुए सुराख भी नहीं छोड़ती। मेरी अपा बैठ उन चला गया ना, उन दफा कर पुल जा, सबर कर जा, सबर कर जा। सबर जरा वो हाथ लगे वो निगोड़ी, ऐसी धुआंधार पिटाई करूंगी कि अमलतास के जुलाब लेने के बाद जो हालत होती ना वो हालत करूंगी। हाँ नहीं तो ओ छड़ दे अप्पा जी, वो नहीं आते छड़ दियो शतू उंगड़ी तेरे। हर बार जुल दे जाती है, कभी हाथ लगे भी ना तब टस्पे बहाने शुरू कर देती है। अब तो आंखों की पुतलियां भी मेरे तलवों को मलेगी ना तब भी बख्शूंगी नहीं मैं। अम्मा जान मैंने आपका घड़ा अच्छी तरह अंदर बाहर से साफ कर दिया और साफ पानी से भी भर दिया। पाक हाथों से भरा या पलीत हाथों से? बड़ी सुनगुन लेने आई थी, बहुत चंट है। वैसे आपा बड़ा तालमेल चल रहा है बहू का तेरा, अब एक दिन से बिल्कुल तेरी तरह घड़ा सजा आगे लेकर आई है, कसम खुदा के खुशबू भर गई है। अरे तू पी लेना खुशबू। अच्छा आपा नाश्ता बना दे फिर मैंने उठाई, मैं नहीं उठती हूँ, उन मैंने ना उठाई खुदा दे वास्ते अल्लाह दे वास्ते ही तनु। इतना इत्माम करने की क्या जरूरत थी, कोई सादा सा ही खाना बना लिया होता। ये ले दवा खाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। आई मुझसे तो सादा खाना पकाने की भी हिम्मत नहीं है, वो मुश्किल से लेटा जाता है और मुश्किल से खड़ा हो जाता है। कितनी दफा तो कहा है आपसे किचन में कुछ तब्दीलियां करा देता हूँ। अरे भाई बैठ के खाना पकाने का जमाना गया अब। मुझे तब्दीलियां नहीं पसंद, अंग्रेजों की तरह आज खड़े होके पका रहे हैं तो कल खड़े होके खाएंगे भी। अरे बेटा जो बात घर में बैठ कर खाना पकाने और खाने में है वो उस तरह में नहीं, इसमें बड़ी बरकत है। अरे अम्मा मैं तो आपकी सहूलत के लिए कह रहा था, वैसे खाना था बहुत अच्छा आज। हलीमा को भी आपके साथ रह के आखिरकार खाना पकाना आ ही गया। उसके साथ रहते हुए ना खाना खाना भूल सकती हूँ, वो नहीं सीख सकती। अच्छा तो ये खाना? अरे गुल ने बनाया है, टल्ली की बीवी ने। क्या जरूरत थी उससे खाना बनवाने की, मुझे कह देती मैं बाजार से ले आता कुछ। क्यों रहने देती, कौन सा एहसान कर लिया है? अरे अब यहाँ रहना है तो मुफ्त की रोटियां तो तोड़ने दूंगी नहीं, क्या कम जमा है यहाँ पे मुफ्त खोल लो और तुम सबके दिमाग ना खराब किया करो। मेरा कहने का मतलब यह था अम्मा कि अभी तक तो यही तय नहीं हुआ कि आया उसका यहाँ रहना दुरुस्त है भी या नहीं, तो कैसे माँ बाप है उसके, एक दफा भी पलट के नहीं पूछा उन्होंने। माँ सगी ना हो तो सब सुतेले हो जाते हैं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं किसी एक दिन अचानक ना आदम के कोई पुलिस केस वगैरह ना हो जाए। है कुछ नहीं होता, दो हफ्ते गुजर गए, होना होता ना तो अब तक हो चुका। मुझे परख है इंसान की। अरे लड़की हालात की सताई हुई लगती है, कोई झोल नहीं है उसमें, खानदान भी अच्छा भला ही लगता है मुझे। अरे आंचल ढलकने नहीं देती, सोने में तोलने के काबिल है, लेकिन मोर लगा तो बावले का। वैसे दोनों बहन भाइयों की ना किस्मत बहुत अच्छी है, जिसे कोई चमार भी अपनी बेटी ना दे
उसको इतनी ज़हीन, इतनी अकलमंद, इतनी खूबसूरत दुल्हन मिल गई है। और हलीमा, हलीमा को देख लो, तुम्हारा कोई जोड़ है उससे? लेकिन अल्लाह भला करे तुम्हारे अब्बा को अपने भाई की मोहब्बत में ये जोड़ जोड़ दिया और हमें निभाना पड़ा, बड़े भुगतना पड़ा हमें। हलीमा जी, क्या कर रही हो उधर? कुछ भी नहीं। कुछ छुपा रही हो मुझसे? कुछ भी नहीं। तो कल भी तुम देर तक अलमारी के पास खड़ी थी और परसों भी, और मैं जब भी पूछता हूँ तुम यही कहती हो कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ टूट गया है या खो दिया तुमने कुछ? अच्छा देखो, अगर तुम सच सच बताओगी तो मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है? इधर आओ, बाजार गई थी ना, तो वहां से आपके लिए कुछ लाई थी। मेरे लिए क्या? तोहफा, गिफ्ट। इस शादी के 20 साल बाद तुम्हें ये कैसे ख्याल आ गया? नहीं, ख्याल तो कई बार आया, बस ला नहीं सकी थी। अच्छा लाओ, दिखाओ, देखो तो जरा क्या लाई हो मेरे लिए। मौसी, अच्छे नहीं लगे क्या? नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छा तोहफा। पहने ना? अभी नहीं। नहीं ना, अभी पहन लो ना, बस अभी पहन लो। मैंने कहा ना अभी नहीं, कल जब दफ्तर जाऊंगा तो पहन लूंगा। नहीं नहीं, बस अभी पहन के दिखाई मुझे। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी समझ में बात नहीं आती, बहरी हो तुम? जब कह रहा हूं अभी नहीं पहनना तो अच्छा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नानी और दादी। निम्बू, निम्बू। चाल तो देखी, लक्की कबूतरी की तरह चलती है, और दुपट्टा भी देखो पाँव में रोल रहा है। दादी बस सारी रोक टोक ना मेरे लिए ही है, और वो जो घर से भाग कर आई है उसको तो चूम चाके घर में रख लिया। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? खबरदार, जो ब्याहता और हयादार औरत के लिए एक लफ्ज भी कहा तो उसकी बड़ी सगी हो। सियाने ठीक कह गए, दुश्मन का दुश्मन जान से प्यारा। मेरी क्यों सगी होती, तुम्हारी बहू है। अगर तुम्हारी बहू को इज्जत करनी नहीं आती तो मुझे तो अपने खानदान की इज्जत बहुत प्यारी है। और फिर वो निकाह करके आई है? निकाह करने से कोई सुर्खा आपके पर नहीं लग जाते, काजी के दो बोलों से रंग और नस्ल नहीं बदलती। पता नहीं कहां से कालख मल के आ गई है, मेरे मासूम भोले भाले बच्चे के पल्ले पड़ गई है। और क्या, सब चर जाएगी क्या? निम्मू कहां है? होगी किसी कोने में बैठी, नाविल चाट रही होगी। वैसे एक बात कहूं, निम्मू ना बहुत दिन से बहुत उदास है। जाहिर है, दादी ने खून खुश कर रखा है। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं देखना, तो बच्चों ने क्या जीना है? एक बात बताऊं, मैंने तो आज सुना दी कि उस आवारा को घर में रखने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल अच्छा किया, इसे खरी खरी सुनने को मिलती रहती ना तो बिल्कुल ठीक रहती। चला पान खा ले, जरा थोड़ा छोटा मुंह लेना, बड़ा मुंह है ना तुम्हारा, थोड़ा लेना, ये लो।
कहाँ थी तुम? मैं वो क्या वो काम कर रही थी। काम? जब देखो तुम काम कर रही होती हो तुम्हें और कोई काम नहीं होता। जब मुझे मैं बुलाता हूँ कोई ना कोई काम कर रही होती हो। काम करना तो अच्छी बात होती है, करना चाहिए। तुम भी क्या करो? वाह भाई वाह, मैं क्यों काम करूं? अपने बाप का इकलौता बेटा हूं, सारी जिंदगी ना कुछ किए बगैर मजे से गुजार सकता हूं। तुम क्या समझती हो मुझे? तुम्हें बहुत काम करना पड़ता है ना। ये ताई अम्मा ने ना तुम्हें घर की नौकरानी समझ के रख दिया है, सारे घर का काम तुम पे ला दिया। देखना मैं बुड्ढी की सुबह कैसी खबर लेता हूँ। खुदा का वास्ता, हंगामा ना करना। कोई काम करने में क्या है? तुमसे शादी किया ना, काम करना तो मेरा फर्ज बनता है। बाहर में जाइए, फर्ज वर्ज। शादी मैंने तुमसे की है ना, किस भूत बंगले और ताई अम्मा से। मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूं। मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी बीवी को इन कामों में खर्च कर दूं। तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी खिदमत करना, मुझसे प्यार करना। अब इधर आओ बैठो और पांव दबाओ अपने मजाजी खुदा की। दबाओ। दबाती हूँ। वो शरबत लाऊं तुम्हारे लिए? तो तुम शरबत बहुत पिलाती हो मुझे। तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है ना। मैं जाके लेकर आती हूँ। ओके के पान बना रत वाला फुल जाए अगल का ताला। ओके के पान बना सुवाला। अरे खुदा गारत करे ऐसे अपनों को जिनके सीने में दिल नहीं पत्थर है पत्थर। बैरिस्टर साहब ने तो मेरी मासूम बच्ची इस डायन के हवाले सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी है, सगी ताई है, फूलों से हल्का रखेगी। मगर फिर अम्मा? फिर तेरा खोपड़ा। मैं क्या कहानी सुना रही हूँ जो इतने मजे ले रही हूँ? नानी अम्मा मेरे बाल बना दीजिए, देखे सीधी बनी नहीं रही है। अरे रुक जाओ ना, सबर करो। अरे उजाड़ के रख दिया तूने तो अपने आप को। ना बनाओ ना सिंघार, डंडे की तरह बाजू है। जहां पर झोले कपड़े पहनती है तू। अरे अपनी माँ को देखो, सुहागनों जैसे अगर सिंघार नहीं कर सकती ना, तुमसे फिर भी बेहतर हूँ। अरे भाई मुझे देर हो रही है। जवानी का तो मुझे पता नहीं, मगर जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, बहुत अपने आप को बना के रखती थी। तुम्हारे अब्बा ना मेरे पांव की एड़ियों को देख के परिस्तान की परियों को भूल जाते थे। अम्मा, अब्बा परिस्तान की परियों से मिलने जाते थे? आए, हट। आ निम्मो, मैंने मालिश तो कर दी, आ तेरे बाल बना दूं। नहीं, मैं अम्मी से बनवाऊंगी। अरे वो कहां से बना देगी बाल तुम्हारे, वो अपने तो संभाल नहीं सकती। क्यों भाई, मैंने अम्मी आपसे बाल बनवाने हैं। निम्मो मुझसे नहीं बनते तेरे बाल, ऊंचे नीचे। ये क्या बात है भाई, आप भी तो अपनी अम्मा से बाल बनवाती हैं, उनसे लाड उठवाती हैं। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, आप भी तो मेरी अम्मा है ना। हाँ ये तो है, मैं तेरी अम्मा हूँ, अम्मा मेरी अम्मा है। अम्मा की अम्मा नानी अम्मा थी और नानी अम्मा की अम्मा। अम्मा बाल मेरे जल्दी।
हाय हाय बना रही हूँ ना आहिस्ता एक मिनट सलाम छोटी अम्मी वालेकुम टली वे टली छोटी अम्मी वो सो रहा है आप अंदर आए ना हाँ तो क्यों ना आऊंगी मेरे पुत्र का कमरा है मुझे तेरी इजाजत की लोड़ नहीं पराठ टली वे टली ओ टली हाय उठ जा सोया है कि बेहोश है देखो जरा इसको ना पहले तो दीदी रात को आता था तो 10-11 बजे उठ जाता था अब तो 9 बजे बगैरतों की तरह हुजरे में घुस जाता दरवाजे बंद कर लेते हो बेशर्मों की तरह फिर क्यों नहीं उठ रहा टली ओ उठ जा बगैरता उठ जा टली ओ मां सदके उठ जा ओ टली जा मेरा पुत्र जा अपना होलिया ठीक करा तोबा अपना ये छप्पर कटवा जा के जा मत करवा हाय उठ जा कैसा वोटी का खुमार चढ़ा जो उतरता ही नहीं है मेरी भी मत मारी गई है ओ टली आए ओ कुछ नशा करके सोया है ओए तूने उसको उठाया नहीं सवेरे खुद सोई मोई पड़ी होगी ना कैसे उठाती हाय तो बाजा दफा तो बा जब से वोटी आई है आंखें नहीं खोलती इसकी उठ के नाश्ता ही नहीं देना मैंने तुझको बगैर सगीर मियाँ अब तुम ही संभालो मुझसे ये रोज रोज की फैसले नहीं निपटाए जाते अब्बा प्लीज ना क्या प्लीज प्लीज हाय दिन का तमाशा बनाया हुआ है रोज बाजार जाना है ये सब छन्नों की सोबत का असर है ना वो खुद घर में टिकती है ना तुम्हें टिकने देती है आपको छन्नों को तो ईट कुत्ते का बैर है अब एक ही तो सहेली है मेरी उससे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी हाँ हम तो सब गूंगे बहरे हैं ना मसला क्या है क्या हुआ क्या है इस वक्त अब्बा मैंने बाजार जाना और दादी मुझे इजाजत नहीं दे रही हैं अरे अभी तो गई थी जब गाड़ी भिजवाई थी मैंने तुम्हें 2 हफ्ते हो गए उस बात को हाँ और 2 हफ्ते में ना इसके कपड़े छोटे हो गए 2 ही जोड़े लिए थे अब कोई 7-8 महीने की गर्मी आती है और लॉन के सिर्फ 2 ही जोड़े ये तो है और शायद अपनी छोकरी को तू अब्बा पता है वहाँ सेल लगी रही है और छन्नू इतने अच्छे प्रिंट्स लेकर आई है वो भी बहुत सस्ती कीमत पे दादी प्लीज ना मैं आपके लिए लॉन के रहने दे मुझे कोई लॉन शान नहीं पसंद कपड़ा एक छीछड़ा तन के साथ ऐसे चिपक जाता है अच्छा बाबा चली जाना गाड़ी भिजवाऊं ठीक है गाड़ी भेज दीजिएगा मगर आप हमें अकेले तो जाने ही नहीं देंगे और अम्मा है कि हमारे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है कोई जरूरत नहीं जाने की गैर मर्द के साथ नहीं जाती जवान लड़कियां अरे अम्मा गैर कहाँ है खलीक अच्छा भला देखा भाला है और काफी अरसे से काम कर रहा है अरे गैर मत पे बार नहीं किया जाता जवान लड़की के साथ भाई हम टैक्सी में चले जाते हैं हाँ वो तो तेरा सगा मामू लगता है टैक्सी वाला ओफो तो किसके साथ जाऊं मैं आप ले जाए ना या फिर अब्बा आप ले जाए कोई बहन भाई भी तो नहीं है मेरा कि मैं उसके साथ जा सकूं छन्नू बहुत खुश नसीब है 4-4 भाई हैं उसके और उतनी भाभियां 3 बहनें हैं और उतने ही बहनों उसकी मर्जी होती तो आपा के साथ चली जाती है अपनी भाभी के साथ अच्छा। बस मैं ही बाकी बच्ची हूँ इस घर में अच्छा रोने की क्या जरूरत है बच्चों की तरह वो भी चली जाना बल्कि ऐसा करो छन्नू से कहो वो किसी भाभी को या बहन को साथ ले ले उनके साथ चली जाना
ठीक है, और अम्मा भी ठीक कहती हैं, कोई हद है, मतलब एक दफ़ा गर्मियों की शॉपिंग कर लो जो करनी है, बार बार बाजार जाना अच्छा नहीं लगता लड़कियों का, ठीक है? और सुनो, वो जो है ना टल्ली की बीवी तुम्हारी मोमानी, उसके लिए भी एक आध जोड़ा ले आना, वो पता नहीं क्या पहन के फिरती रहती है, सिल्क के कपड़े। ठीक है अब्बा। अब्बा ने कहा है कि बाजार से मैं आपके लिए एक सूट लेकर आऊं, आपको कौन सा रंग पसंद है, मैं आपके लिए वही सूट ले आऊंगी। वैसे तो आप पे हर रंग जचेगा, आपका रंग रूप जो इतना अच्छा है। बताएं ना आपको कौन सा रंग पसंद है, मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगी। कोई भी ले आओ, हाँ लेकिन लाइनिंग वाला ना हो, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और वो बड़े बड़े फूल होते हैं ना, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरे साथ चलें बाजार? मैं? आपको पता है दादी भी खुश हो जाएंगी, वो बहुत घबराती है मुझे अकेले भेजने में, कोई बड़ा मेरे साथ होगा तो वो। और मैं बड़ी हूँ? हाँ नहीं, वो मेरा मतलब था बड़ी ही तो उम्र में ना सही, लेकिन रिश्ते में तो खासी बड़ी। तो फिर चलें? चलो, मैंने कराची भी तो नहीं देखा ना अभी तक। ठीक है, फिर मैं फौरन जाती हूँ, आप तैयारी करें, मैं चंदन को बुला के लाती हूँ। कोई बात नहीं, वो तो मेरी बुजुर्ग है ना, मेरा फर्ज है। चाय लाऊं? अच्छा ले आइए, लेकिन अम्मा के कमरे में। 10-10 दिन तो तुम मुंह नहीं धोती, चली थी भवें तराशने। ना तो क्या हुआ, अगर मैंने भवें तराश ली तो आदमी फ्रेश हो जाता। मुझे पता था आज तुम जरूर आओगी।